हेलो फ्रेंड्स, सुषमा की रसोई में स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वेज फ्राइड राइस, जो कि बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट कम समय में बनने वाली ये रेसिपी। तो इसके लिए हमने लिया है एक गाजर, एक शिमला मिर्च और थोड़ी सी बीन्स और छोटा सा कटा हुआ नींबू, दो बड़ा प्याज और एक टमाटर, और साथ ही हमने ली है कुछ मसाले, खड़े मसाले, एक लाल मिर्च, तीन इलायची, एक तेज पत्ता और हरी मिर्च, एक दालचीनी, तीन लौंग और तीन चार काली मिर्च। साथ में हमने लिया है ये 200 ग्राम चावल, एक कटोरी। इसमें 200 ग्राम चावल है इंडिया गेट बासमती राइस। इस चावल को बनाने से पहले 30 मिनट पहले धो कर के रख लेना है फ्रेंड्स। साथ ही मैंने ये सारी सब्जियों को इस तरीके से कट कर ली है। ये चावल धो कर के रखने से जल्दी पकता है और चावल अच्छा पकता है। तो चावल को मैंने अच्छे से साफ करके इसमें चावल और साथ में पानी भी डालकर रखी हूँ। चावल एक कटोरी है तो इसमें मैंने लिया है एक कटोरी और हाफ कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा पानी, डेढ़ गुना से थोड़ा ज़्यादा पानी लिया है इसमें। अब इसे पकने के लिए चढ़ाना है चूल्हे पर। गैस जला करके मैं इसको अब इस पर चढ़ाती हूँ, थोड़ा सा ढक दूँगी साथ में इसमें जल्दी उबाल आने के लिए। अब इसमें डालेंगे नमक, एक चम्मच नमक, और साथ ही में थोड़ा सा नींबू जो मैंने कट करके रखा है उसको इसमें डाल देना है, उसका जूस। ये नींबू और नमक डालने से चावल बहुत ही अच्छा बनता है, खिला खिला चावल बनेगा। और ढक देना है। अब चावल पूरा उबलने लगा है, इसको ढक करके पकाएंगे 7 मिनट तक और गैस को सिम कर देना है। साथ ही हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए दे दी है, तो कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है और हम इसमें डालेंगे तेल। तेल डालना है 2 बड़ा चम्मच तेल, और साथ में इसमें अब हम डालेंगे सूखे मसाले जो हमने रखे हैं। तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें डालना है 1 चम्मच जीरा। जीरे के बाद तेज पत्ता, फिर डालेंगे लाल मिर्ची और जो भी मसाले हमने रखे हैं, इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और हरी मिर्च, ये सब इसमें एक साथ डाल देना है और थोड़ा हल्का सा इसको भूनना है। जीरा मसाला और मिर्ची सब हमारी भून चुकी है, अब इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज डाल करके थोड़ा इसको भी फ्राई कर लेना है, हल्का फ्राई करना है प्याज को, ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे। प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे सब्जियां जो हमने काट करके रखी हैं, गाजर, शिमला मिर्च और बीन्स। ये सारी सब्जियां इसमें डालने के बाद इसको फ्राई करना है, लगभग 2 मिनट इसको फ्राई करेंगे। इन सब्जियों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। और हमने चावल दूसरे चूल्हे चार, ये चावल भी बन करके तैयार हो चुका है। चावल बहुत ही अच्छा बना है, खिला खिला, और इन सब्जियों को भी साथ में फ्राई कर ले रही हूँ। सब्जी भी हमारी लगभग फ्राई हो चुकी है, अब इसमें हम डालेंगे मसाले। अब इसमें मसाले में डालेंगे काली मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, साथ ही 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डालेंगे। साथ में नमक, नमक थोड़ा कम डालना इसलिए कि चावल में भी नमक हमने डाला। अब इसमें डालेंगे साथ में टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसमें डालेंगे लहसुन अदरक पेस्ट 1 चम्मच, और इसके बाद इन सब्जियों को 2 मिनट के लिए ढककर पकाना है। 2 मिनट के बाद अब इसमें डालेंगे चावल। चावल डाल करके इन सब सब्जियों के साथ पूरा मिक्स कर देना है और अच्छे से इसको फ्राई करना है। चावल और सब्जी डालने के बाद इसे भी ढक करके हम थोड़ा टाइम के लिए और पकाएंगे, 1 मिनट के लिए ढक देंगे, जिससे सब्जी और चावल दोनों एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और साथ में इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। घी डालने से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। घी डालने के बाद 1 मिनट के लिए और फ्राई करना है इस चावल को, और फिर गैस की फ्लेम कम कर देना है। ढक करके फिर हम इसे 2 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 मिनट हो चुका है, अब हमारी राइस बिल्कुल बनकर के तैयार हो चुकी है। अब इसमें डालना है फ्रेश हरा धनिया। फ्रेश हरा धनिया हमने डाल दिया, अब गैस को बंद कर देंगे।
बहुत ही अच्छी बनी है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ही हेल्दी होती है ये रेसिपी। फ्रेंड्स एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।